हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमे सृष्टि। तो आज हम बनाने वाले हैं कढ़ी पकौड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। कढ़ी पकौड़ा बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप बेसन। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे और थोड़ी सी बेकिंग सोडा। और फिर हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई दो हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ एक प्याज और थोड़ी सी हरा धनिया। अब इन सारी चीज़ों को पहले मिक्स कर देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका थिक बैटर तैयार करेंगे। ये ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। ये देखिए, पकौड़े का बैटर तैयार हो गया है। अब हम पकौड़े बनाएंगे। पकौड़े तलने के लिए हमने कढ़ाई में ऑयल डालकर गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा बैटर उठाकर पकौड़े बनाएंगे। अब पकौड़े को पलट देते हैं। अब इस पकौड़े को पलटते पलटते दोनों ओर से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये दोनों ओर से अच्छे गोल्डन ब्राउन दिख रहा है, इसे निकाल लेते हैं। बाकी बचे हुए पकौड़े को भी इसी तरीके से बना लेते हैं। ये हमने सारे पकौड़े को फ्राई कर लिए हैं। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। अब एक बाउल में हम 1/4 कप बेसन लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 कप दही। अब इसमें हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये गाढ़ा घोल तैयार हो गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो 2 गिलास इसमें पानी डालेंगे। मिक्स कर देते हैं। अब गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे। फिर हम इसमें 1 बड़ी चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, 2 साबुत लाल मिर्च, 1 तेज़पात और आधी छोटी चम्मच मेथी के दाने। इन सबको हल्का सा पकने देते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे थोड़ा सा पका लेंगे जिससे इसका कच्चा फ्लेवर निकल जाए। अब इसमें डालेंगे दही और बेसन का मिक्सर। अब इसमें 1/2 गिलास पानी और डालेंगे। तो इसमें हम टोटल 2.5 गिलास पानी यूज किए हैं। अब इसे लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें अच्छा उबाल ना आ जाए। ये देखिए, इसमें उबाल आ गया है। अब इसमें 1/2 छोटी चम्मच नमक डालेंगे। मिक्स कर देते हैं।
और अब इसमें पकौड़े डालेंगे। अब इसे हम 5 मिनट तक पकने देंगे और बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे। पाँच मिनट हो गई है और ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। अब गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। कढ़ी बनकर रेडी है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो तड़का के लिए एक तड़का पैन गरम करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ये आधी छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और 2 साबुत लाल मिर्च। अब गैस को ऑफ कर देंगे और इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इसको कढ़ी के ऊपर डाल देते हैं। इसे हल्का से मिक्स कर देते हैं। तो ये कढ़ी पकौड़ा बनकर रेडी है। बहुत ही अच्छी बनी है और पकौड़े भी सॉफ्ट हैं। तो अगर आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।